नाज़रीन, इब्न अरबी एक बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। इनका दौर उस्मान गाजी के बाप अर्तुगल के करीब ही पाया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का वतन उंदलस था। आपको जो मकाम वलायत हासिल था वो शायद ही किसी और को हासिल हो। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। इब्न अरबी एक दिन अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे कि एक फ़लसफ़ी आ निकला। यह फ़लसफ़ी अम्बिया और मोजज़ात का इनकार किया करता था। इसका कहना था कि तुम लोग कहते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मगर आग ने उनका एक बाल भी नहीं जलाया, जबकि आग का काम ही जलाना है। असल बात यह है कि नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सख्त गुस्से था। यहाँ जिस आग का जिक्र है वो उसका गुस्सा है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मजबूत दलाइल मौजूद थे, इसी वजह से वो नमरूद से खायफ नहीं हुए, यानी वो नमरूद के गुस्से की आग में नहीं जले। इत्तेफाक से सर्दी का मौसम था और अंगीठी में आग जल रही थी। इब्ने अरबी ने कहा, अगर तुम इसे मेरी करामत ना समझो बल्कि ये समझो कि मैं एक पैगंबर का दिफा कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ। ये कहकर आपने अंगीठी से आग उठाकर उस फलसफी की गोद में डाल दी। वो काफ़ी देर तक आग को उलट पुलट करता रहा, मगर आग ने ना तो उसके हाथों को जलाया ना ही उसके कपड़ों को। इसके बाद इब्न अरबी ने आग दोबारा अंगीठी में डाल दी और फलसफी से कहा कि अब आग को हाथ लगाओ। उसने जैसे ही आग को छुआ तो उसका हाथ जल गया। इब्न अरबी ने फरमाया, ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है। वो हुक्म देता है तो ये जला देती है, अगर हुक्म ना दे तो गुलजार बन जाती है। इब्न अरबी की ये करामत देखकर वो फलसफी ईमान ले आया। नाज़रीन, ये होती है अल्लाह वालों की शान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।